अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्टी फूड विद तमन्ना। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के रसगुल्ले। 6 ब्रेड ली है और हमें इसे ग्राइंड करना है। और ये हमने चीनी ली है 2 कटोरी, क्योंकि हमें इसे चाशनी बनानी है। और ये हमने 2 गिलास दूध लिया है और इसे हमें अच्छे से पकाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ले लिया है और इसमें हम दूध डालेंगे। इसे हमने गैस पे रख दिया है और अब हम इसको कम फ्लेम पे इसे पकाएंगे ताकि ये 1 गिलास हो जाए। तो ये दूध को हमने अच्छे से पका के इसे तैयार कर लिया है, ये देखिए। और इसमें मलाई भी आ गई है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जब तक हम ब्रेड ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने ये बाउल लिया है और ये जो हमने ब्रेड रखे थे 6, इसको भी हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। और ये हमने जो दूध को अच्छे से पकाया था, यानी जो दूध हमने तैयार किया था, ये भी हमने ठंडा करके इस ग्लास में निकाल लिया है। अब हम इसको ब्रेड को इस बाउल में डालेंगे। और अब इस मिल्क को और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो हमें इसे अच्छे से मिलाना है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे। तो इसे हमने अच्छे से दूध और ब्रेड को मिला के इसे अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो जब तक हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और जो हमने चीनी ली थी 2 कटोरी वो डालेंगे। और इसमें 2 इलायची डालेंगे हम इसमें खुशबू के लिए, ताकि अच्छी खुशबू आए। और अब हम इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। तो ये हमने शुगर सिरप तैयार कर लिया है और अच्छे से, और यानी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसके गुलाब जामुन बॉल्स तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने मुलायम और सॉफ्ट बॉल्स तैयार किए हैं। तो हमने इसको इस तरह तैयार किया है ताकि ये जो हम इसमें फ्राई करें तो ये फटे ना, इसलिए। तो इसी तरह सारे बॉल्स तैयार करेंगे। ये हमने गुलाब जामुन बॉल तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बॉल्स डालेंगे। तो हमने इसे ऑयल में डाल दिया है। अब हम इसे हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि ये बॉल्स फूटे ना, और हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमने शुगर सिरप इसमें अलग बाउल में निकाल लिया है और हमने इसे ज़्यादा ठंडा नहीं किया, नॉर्मल ही रखा है, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा गर्म ही रखना है। तो अब हम इसमें बॉल्स डालेंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो ये हमने रसगुल्ले तैयार कर लिए हैं। ये हमने इसके ऊपर गोले का बुरादा डाला है। अब हम इसको काट के दिखाते हैं कि अंदर से कैसा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, अंदर से भी ये तैयार है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।